कुश्ती से मैं जाना जाता हूँ, पहलवानों का काम ज़्यादा बोलने का नहीं होता है, करके दिखाने का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, कुश्ती में हारना होता है, जीतना होता है, तो वो काम मेरा है। मगर आज जब बोलने का एक मौका मेरे को मिला है और अपने जीवन के बारे में बताने का मेरे को मौका मिला है, तो मैं ज़रूर अपने साथी हैं उनको से चीज़ें शेयर करूँ। मैं एक बिल्कुल मध्यम परिवार से हूँ। मेरे दादाजी जो है वो किसान थे, पिताजी ड्राइवर थे, और बड़े भाई ने भी रेसलिंग की, मैंने भी रेसलिंग स्टार्ट कर दी फिर देख के उनको। परिवार में इतना भी चीज़ें नहीं थी कि मेरे को आगे बढ़ा सके, इतना भी सक्षम नहीं था परिवार, क्योंकि आप सबको पता है कि किसान एक मध्यम परिवार किस तरीके से सपोर्ट करते। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि अच्छे गुरु के पास मैं गया। मेरे गुरु जी हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, और उनकी देख रेख में मैंने कुश्ती सीखी। और जब मैं छोटा सा अखाड़े में आया, सातवीं क्लास में मैं अखाड़े में आया था, तो वहीं से संघर्ष स्टार्ट हो गया था। मैं जब अखाड़े में आया तो मेरे बड़े भाई वहाँ रहते थे, तो एक कोच थे वो बड़े पीछे लग गए मेरे, कि वो बोले कि ये पहलवान नहीं बन सकता। छोटा सा बच्चा आके जब अखाड़े में खड़ा होता है, उसको ये नहीं पता कि भाई पहलवानी क्या चीज़ है, और उसके ऊपर एक चीज़ ये थोप दे, ये प्रेशर डाल दे कि भाई ये पहलवान नहीं बन सकता। तो मैंने जब गुरुजी को ये बात बोली कि जी एक कोच है वो बड़ा परेशान करता है, बोलता है कि आप पहलवान नहीं बनोगे, तो गुरुजी बोले अरे तू रो मत, जैसे आज बारिश हो रही ना इसी तरीके से बारिश हो रही थी उस दिन, वो चीज़ आज तक ध्यान है मेरे को। तो गुरुजी बोले कि आप रो मत, आप तो वर्ल्ड चैंपियन बनोगे। वो पता नहीं मेरे कोई चुप कराने के लिए वो चीज़ बोल दी, या उन्होंने कुछ देखा मेरे में इसलिए वो चीज़ बोल दी। उसके बाद मैंने बड़ा ये कि भी गुरुजी ने जो चीज़ बोली है वो पूरी करनी, उस पर मैं लग गया। और आज मैं पहला रेसलर हूँ इंडिया का, भारत का, जो इंडिया का कि आप मैं वर्ल्ड चैंपियन। वो चीज़ एक चीज़ दिमाग में ले ली मैंने कि हाँ गुरुजी ने बोल रखा है, बस वर्ल्ड चैंपियन बनना। तो उस चीज़ पे पीछे लग गया मैं, बुरी तरीके से लग गया। कैसी भी स्थिति रही हो, इतना संघर्ष रहा जीवन में कि एक साल मेरा ठीक रहता है, एक साल कोई मेडल नहीं, हारना, और उसके बाद फिर खड़ा होना। जो आपके, मैं मानता हूँ कि जो आपके जो साथी होते हैं वो पॉजिटिव हो, या आपके जो कोचिज होते हैं या आपके टीचर हैं वो आपको पॉजिटिव बातें बताते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी स्थिति हो वो उसमें आप पक्का आप निकल जाओ। हरदम यही चीज आपके सामने हो, हर टाइम आपके सामने ही आप कर सकते हो, आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो, ओलंपिक चैंपियन बन सकते हो। और उसके बाद फिर एक और चीज, हमारे जो गुरु हैं वो पद्मश्री महाबली सतपाल जी, वो एशियन 82 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो हमेशा वो जब भी खड़े होते एक ही चीज बोलते थे कि भाई आपको ओलंपिक मेडल जीतना है और आप जीत सकते हो। कभी मीडिया वाले कोई भी लोग आते तो हमें आगे कर देते थे, मेरे को और योगेश्वर दत्त को, कि भैया ये दो बच्चे हैं ये ओलंपिक में मेडल दे सकते हैं। और हम ये सोचते थे पता नहीं यार अब तक तो किसी ने जीता नहीं रेसलिंग में, 56 साल पहले किसी ने कोई मेडल जीता था, और हमने मेडल नहीं देखा। वो कोई चीज़ आपके सामने रख, कोई टारगेट हो दिखता रहे कि हाँ भाई ये चीज़ है वो, और उसके पीछे फिर लगे रहे। फिर मालिक ने बड़ा आशीर्वाद, में मानता हूँ मैं हमेशा किसी भी जगह बोलता हूँ तो एक चीज़ जरूर बोलता हूँ कि अपने आप को बहुत भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि अच्छे गुरु मेरे को मिले, अच्छे माता पिता मिले मेरे को मिले, और अच्छे साथी मेरे को मिले। ये बड़ा मिश्रण होता है जब भी आप कामयाब ज़्यादा होते हो। तो उसके बाद 56 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा के वो ओलंपिक मेडल भी मेरे को मिला, 56 साल के बाद बीजिंग में पहली बार। फिर बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि भाई आपका ओलंपिक मेडल आ गया, बस करो अब। फिर मैंने उनको यही एक चीज कही कि यार जीतना तो अब सीखा है, कुश्ती जीतना तो अभी सीखा है, मजा तो अभी आने लगा, क्योंकि मध्यम परिवार से था। और ओलंपिक मेडल जीतने के बाद हर वो एक चीज मेरे को मिली जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची। एक आप समझ सकते हो कि मध्यम परिवार का एक छोटा सा बच्चा, और जिसमें कुछ चीजें देखी भी नहीं, घर में ऐसी स्थिति कि पिताजी ड्राइवर हैं, तीन भाई हैं और पूरा परिवार है बड़ा,
उनको सफर कराना सबको, तो आप हर चीज समझ सकते हो। सब लोग सक्षम हो इस चीज के लिए। फिर सबने बोला कि भाई अब बस बहुत हो गया है। फिर उसके बाद 2010 में, 2009 का मैंने बताया कि एक साल मेरा ठीक चलता है, एक साल पता नहीं क्या होता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। और वो इसीलिए आती है, हार के बाद आदमी सीखता है, जीत के बाद इतना नहीं सीखता है। जीत के बाद तो ये सोचता है कि हाँ भाई मैं ही चैंपियन हूँ, हारता है तो हारने के बाद ये सोचता है कि कहाँ का कमी है। मैं अभी मैडम को बता रहा था कि एक घटना हमारे साथ ऐसी हुई कि एक 3 बार का ओलंपिक चैंपियन 10 सेकंड नहीं झेल पाया, 10 सेकंड पहले हार गया। 3 बार का ओलंपिक चैंपियन। तो जीवन में हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और सीखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ। और मैम से मैं वही बता रहा था कि स्वामी जी बाबा रामदेव जी के पास में कई बार वो बड़ा आशीर्वाद मेरे पे रखते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई गुरुजी आप अब भी मेहनत करते हो, तो वो ये कहते हैं कि यार मैं 10 दिन भी योग से दूर हो जाता हूँ ना, तो मैं जो है योग करने की जो सिस्टम है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आपका जो काम है, आपका जो जो आपके माता पिता ने, आपके टीचर ने जो आपका काम दे रखा है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। वो एक चीज ऐसी है, जो भी टारगेट है आप सबका, आप स्टडी करते हो किसी चीज को इंजीनियरिंग के लेके या किसी और फील्ड को लेके, उसको बड़ी मेहनत से करना होगा। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, जो आदमी सच्चे मन से सच्ची तपस्या करता है ना, उसको वो सोच भी नहीं सकता इतना मिलता है। आज मैं कहूं हर देश में हर वो एक आदमी मिलने आता भी है स्टेडियम में, कुशागर हमेशा वहां देखता रहता है कि कितनी भीड़ हमेशा लगी रहती है। हर आदमी वहां छत्रसाल में आता है, चाहे कोई भी हो, वो मिलने आता है। और ना तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आदमी से मैं मिल पाऊंगा। तो बस आप सबसे भी यही कहूंगा कि आप लोग भी इतनी ही मेहनत करो, और बड़े भाग्यशाली हो आप कि हंसराज जो कॉलेज है वो पहले से ही आर्य समाज की जो पद्धति है उसको ज्यादा मानता है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अच्छी जगह आप हो, अच्छे टीचर आप लोगों के पास है, तो उसका फायदा आप लोग उठाओ। और जो आपका टारगेट है मालिक उसको जरूर पूरा करेगा, मगर वो सच्चे मन से और वो मेहनत करो। श्रद्धा आपको दिखानी पड़ेगी आपके टीचर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। जो टीचर जो होता है, मैं मानता हूँ जो मेरे जो गुरु जी हैं वो ये कहते हैं कि मैं जब अपने आप को ठीक ठाक मानता हूँ कि भाई मैंने अपने बच्चों को तैयार किया है, अपने स्टूडेंट को तैयार किया है कि वो मेरे से ऊपर जाए। आज मैडम से मैं यही बात कर रहा था कि आपको भी वही अनुभव होता है। मैम तो बोली यही चीज मैं देखना चाहती हूँ, जो हमारे बच्चे हैं ये वो इतने ऊपर जाए और हम यहाँ बैठ के कहें कि ये हंसराज कॉलेज के। एक चीज और मैं छोटी सी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में कि संघर्ष बड़ा है और स्थिति जो है उनसे कैसे आप लड़ सकते हैं। मेरे पिताजी को 2012 ओलंपिक से पहले कैंसर बता दिया डॉक्टरों ने, गले का जो कैंसर 4 स्टेज। और वो देश के प्रति, मेरे प्रति, कुश्ती के प्रति इतना प्यार करते हैं वो, उन्होंने और उसी साल मेरा क्वालिफाई राउंड जो होते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होता है, तो उसके लिए क्वालिफाई चल रहा था। पहला क्वालिफाई में मिस कर गया था, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हार गया। एक तो कुश्ती नहीं जीत रहा हूं, ऊपर से घर में स्थिति ऐसी होगी, पिताजी को कैंसर हो गया, जो पूरे सिस्टम को देखते हैं। तो मेरे पिताजी ने एक ही चीज कही कि भाई तू अपने सच्चे मन से अपनी मेहनत करता है, कर रहा है, तो मेरा कैंसर भी ठीक होगा और तेरी तपस्या भी सफल होगी। और उसके बाद फिर हमने मेडल रिपीट किया, ब्राउन से सिल्वर किया, और मालिक का इतना आशीर्वाद रहा कि मेरे पिताजी का कैंसर भी ठीक है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कई बार बैठ के कि आदमी जब सच्चे मन से कोई चीज करता है ना, और उसके भाव रहते हैं कि नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए, तो अब पक्का आदमी कामयाब होता है। और एक छोटी सी घटना और बड़ी मजे की मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लंदन ओलंपिक में मेरे को कैप्टन बनाया था पूरी टीम का, जिसमें लैंडर पेस थे, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, सिंधु, मैरी कॉम,
विजेंद्र सब लोग थे, वो पता नहीं कि भाई नहीं सुशील को बनाओ, कि वो मेरे को कैप्टन बना दिया, झंडा लेकर मेरे को चलना था मार्क पास्ट में। तो हमारे एक बड़े पुराने रिपोर्टर हैं, मैं उनके पैर छूता हूँ, अंकल बोलता हूँ उनको। तो मेरे को वो बोले, मैं जब मार्क पास्ट खत्म करके मैं आया, मैंने पैर छुए उनके कि नमस्ते अंकल कैसे हो, बोला मैं तो ठीक हूँ यार, तूने ये क्या किया? माँ जी क्या हुआ? बोला यार जिसने भी झंडा पकड़ा है ना वो मेडल रिपीट नहीं कर पाया है। तो खिलाड़ी बहुत मानते हैं इन चीज़ों को, मेरे दिमाग में उसने एक ऐसी चीज़ डाल दी। और मेरा सबसे लास्ट में मैच था, जिस दिन ओलंपिक स्टार्ट हुआ उसके बिल्कुल जिस दिन क्लोजिंग थी उस दिन मेरे फाइनल होने थे। उसके बाद मैं बेलारूस चला गया, वो काम अपना मार्क पास्ट का जो काम था वो करके मैं बेलारूस ट्रेनिंग के लिए चला गया। वहाँ मैं सारी चीज़ करूँ और मेरे दिमाग में वही चीज़, जब थोड़ा सा ही रेस्ट मिले तो दिमाग में वो चीज़ पंच करे, यार फ्लैग पकड़ा था कभी मेरा मेडल ना आए। तो होता है ये, किसी आप लोगों के साथ भी होता होगा, ये चीज़ें होती होंगी। मगर वो मैं लगा रहा तपस्या में, बहुत मेहनत हमने की क्योंकि मेडल को रिपीट करना था। और सब लोग ये बोल रहे थे कि नहीं क्वालिफाई भी सुशील का लेट हुआ है तो मेडल नहीं जीत पाएगा। तो किसी की बात नहीं सुननी, अपने मजे से मस्ती से जो आपको काम कर मिला हुआ है मजे में वो काम करना है। तो उसी में मैं लगा रहा। और उसके बाद बड़ी जबरदस्त मेरी टफ, जो हमारा जो कंपटीशन में टाई वगैरह डलती है ना कि भाई उसके साथ कुश्ती होगी या उसके साथ मैच होगा, बड़ा टफ मैच पड़ा मेरा वो बीजिंग ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट के साथ पहली कुश्ती। सब लोग ये बोल रहे थे कि भाई इनमें से जो जीतेगा वो ओलंपिक चैंपियन हो जाएगा। मैंने ओलंपिक चैंपियन को हराया और उसके बाद ब्रॉन्ज से सिल्वर किया, मेडल रिपीट किया हमने। फिर मैं ढूंढता फिर रहा था कि अंकल कहाँ है। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल आज तो, अब तो ये बात कह दी है, ये आपकी ये जो मानते हैं ना लोग कि भाई ये करने से ये हो जाता है, मगर सबको ये बोलना कि भाई फ्लैग पकड़ना है और मजे से करना है, अब आगे मत बोलना ये चीज। मैंने तो 15 दिन कैसे निकाल लिए हैं और क्या पता कोई झेल पाए ना झेल पाए। और एक छोटी सी और घटना बताता हूँ, हमारी एक लड़की है दीपिका, आर्चर है वो, आपने नाम सुना होगा। तो लंदन ओलंपिक में सबसे वो भी मेडल होप थी हमारी। तो मैं बोला उससे, मैं कहा दीपिका क्या हुआ? वो बोली कि भैया मीडिया ने इतना प्रेशर बना दिया मेरे ऊपर कि दीपिका ने ये किया वो किया, वो प्रेशर ही नहीं झेल पाई। जिस दिन मैं वो तीर छोड़ रही थी तो मेरे हाथ ऐसे से कांप रहे। तो बस मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मैं हमेशा किसी न किसी से बात करता रहता हूं कि भाई कैसे क्या हो सकता है, किस तरीके से हम और चीज को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे से खूब सीखा करो लोग, अपने अच्छे जो दोस्त हैं, टीचर हैं, कुछ ना कुछ जरूर सीखा करो उनसे कि किस तरीके से वो जीवन जीते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दीपिका से एक चीज सीखी कि प्रेशर में रह के कभी नहीं आप जीत पाओगे। आज अभी एशियन गेम्स में फिर हार के आया हूं, तो अब आते ही लोग मेरे से, और उससे 3 महीने पहले मैं कॉमनवेल्थ में वन साइड चैंपियन बना, किसी को स्कोर नहीं करने दिया। और उस 3 महीने के बाद अब मैं कुश्ती हार गया हूं। तो सब लोग बोलते हैं कि यार बहुत हो गया सुशील, अब बस छोड़ दे। तो मैं मगा यार कैसे छोड़ दूं, अब तो जो एक बार जीत के फिर छोड़ दूंगा। तो एक छोटा छोटा एक अपना कैप्सूल टाइप में एक प्रोग्राम बना के रखो कि हाँ ये चीज करनी है, इसके बाद ये चीज करनी है, और जब भी आप सक्सेस हो। आज मैं मैम को बता रहा था कि आधे से ज्यादा जिंदगी मेरी मैम कुश्ती में ही गुजर गई। मैं 24 साल मेरे को हो गए रेसलिंग करते हुए, इतनी लंबी रेसलिंग मेरे ख्याल से तो आज हमारे देश में तो की नहीं। तो बस यही चीज है, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने जीवन में एक टारगेट आप फिक्स कर लो कि भैया ये चीज करनी है। और मैं ये कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, आप जबरदस्त मेहनत करोगे उस चीज को लेके तो आप पक्का सक्सेस हो जाओगे।